दोस्तों सोशल मीडिया पर यह फोटो लगातार वायरल हो रहा है। ये वायरल होने के पीछे की खबर मैं आपको समझाऊं, लेकिन आप एक बार फुल फ्रेम पे इस फोटो को देखिए। आप यहां नोटिस कीजिएगा कि कैसे नेशनल फ्लैग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा रखा हुआ है। तो सोशल मीडिया पे जब लोग इस फोटो को शेयर कर रहे हैं, जब इसको लोग अपना ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, तो राष्ट्रद्रोह और देश के अपमान की बात कह रहे हैं। दोस्तों अगर आपने नेशनल फ्लैग कोड नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि नेशनल फ्लैग कोड है क्या। भारतीय झंडा संहिता 2002 को तीन भागों में विभाजित किया गया है। झंडा संहिता भाग 3 की धारा 4 के अनुसार किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडा से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय झंडे के बराबर भी नहीं रखा जाएगा। ना ही कोई दूसरी वस्तु उस झंडे दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया गया हो। इन वस्तुओं में मूल अथवा मालाएं व प्रतीक भी शामिल हैं। इस आधार पर तिरंगे के ऊपर किसी भी ध्वज का रखा जाना संहिता के अनुसार ठीक नहीं है। दोस्तों ये तस्वीर की क्षमता अपने आप में इतनी बड़ी है कि इस पर हजारों शब्द आसानी से लगातार बोले जा सकते हैं और हजारों पन्ने बहुत ही प्यार से लिखे जा सकते हैं। वो इतिहास आराम से आप सबको बताया जा सकता है। लेकिन आज बात मैं सिर्फ इस फोटो की करूंगा। कई सारे लोग इस फोटो को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी की अंतिम इच्छा थी तो कम से कम उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कल्याण सिंह जी का जो व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक हर जगह ये वीडियो आग की तरह फैल चुका है, जिसमें कल्याण सिंह जी कहते हुए दिखाई देते हैं कि जब उनका अंतिम समय आए तो उनका पार्थिव शरीर भाजपा के झंडे में लिपटा होना चाहिए। तो इसी को बेस बना करके इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है कि एक नेशनल फ्लैग के ऊपर बीजेपी का फ्लैग है तो अंतिम इच्छा को कम से कम सम्मान देना चाहिए। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है मेरे तौर पे, मैं आपको समझाऊं। और यही बात को विपक्ष की पार्टियां टीएमसी कांग्रेस सभी ने उठाई है। नेशनल फ्लैग कोड आपने समझ लिया है। दूसरी बात आप ये समझिए, हमेशा हम प्रार्थना में कहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमें गर्व होता है, उसको देख के शरीर रोमांचित होता है, हमें प्रेरणा मिलती है और उत्साहित होते हैं, और देश के लिए जो हमारे अंदर समर्पण वाला भाव है वो हमेशा हमेशा जगह बना रहता है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आती हैं कि झंडे से ऊपर बीजेपी का झंडा रखा गया, किसी पार्टी का झंडा रखा जा रहा है या और किसी का झंडा ऊपर जा रहा है, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है और वो हमारे हौसले को तोड़ देता है। ये हमारे हौसले को तोड़ देता है, हमारी सोच को गिरा देता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कल्याण सिंह जी ने कहा कि उनका पार्थिव शरीर कम से कम भाजपा के झंडे में लिपटा होना चाहिए। बिल्कुल लिपटा होना चाहिए था, लेकिन क्या तिरंगा को ऊपर और भाजपा के झंडे को हम नीचे नहीं रख सकते थे? यही बात सिंपल लॉजिक वाली है और इस बात को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। सोशल मीडिया पे तमाम कमेंट्स हैं, उस कमेंट को मैं नहीं पढ़ रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। एक बार मैं एक ही चीज कहूंगा कि इन सबको ना एक चीज कहनी चाहिए कि हां हमसे गलती हुई है, राष्ट्र का झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए, तिरंगा सबसे ऊंचा होना चाहिए। हां माहौल कुछ ऐसा था और भावनाओं में हमसे गलती हो गई है, ऐसा नहीं होगा तो लोगों के अंदर जो विश्वास है ना वो थोड़ा सा बरकरार रहेगा। ये व्यक्तिगत तौर पे मेरी एक सोच है। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।